खबर आपको ये बता दें, अयोध्या से जहां पर दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारी हो रही है। अयोध्या में हर साल की तरह इस बार भी भव्य दीपावली मनाई जाएगी और तैयारियां जोरों पर हैं। 1 नवंबर को रामायण कॉन्क्लेव और रामायण शिल्प बाजार शुरू हो जाएंगे। 1 नवंबर की शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा और इस बार अयोध्या में दीप प्रज्वलन के लिए 12,000 वॉलंटियर्स की तैनाती की जा रही है। दीपोत्सव में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल होंगे। वियतनाम और केन्या के एम्बेसडर भी इस दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। आपको बता दें कि रिकॉर्ड करीब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इन दीयों को जलाया जाएगा और 1 नवंबर से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो बीजेपी उधर दीपावली के मौके पर कमल दीपोत्सव का आयोजन करने जा रही है। तो यूपी में 3 नवंबर से 8 नवंबर तक कमल दीपोत्सव भी चलेगा, जिसमें प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। तो बीजेपी मनाएगी कमल दीपोत्सव। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले भाजपा कमल दीपोत्सव की शुरुआत करेगी। 3 नवंबर से ये कमल दीपोत्सव की शुरुआत होगी और 8 नवंबर तक ये पूरा दीपोत्सव चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में ये कमल दीपोत्सव आयोजित होगा और इस मौके पर प्रदेश के सभी नगर निगमों में लेजर शो के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले इस पूरे कमल दीपोत्सव को शुरू करके 8 नवंबर तक इस कमल दीपोत्सव को तमाम नगर निगम में कराकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन विशाल वर्मा साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।